जबर एक तस्वीर ने विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीर उन दावों की जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। तस्वीरें देखकर साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह सरकार की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। पंचायत को आदर्श ग्राम का दर्जा तो मिला है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कैसे बन गया आदर्श ग्राम? क्या बिना मापदंड के ही घोषित कर दिया गया था आदर्श ग्राम? बारिश में खुले आसमान के नीचे दाह संस्कार करने की कोशिश करते ग्रामीणों की यह तस्वीर सिंहेश्वर विकासखंड के जेंजरा पंचायत के आश्रित गांव मुड़करई की है। गांव में मुक्तिधाम नहीं होने के कारण ग्रामीणों को एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार बारिश के दौरान खुले आसमान के नीचे करना पड़ा। हम आ गए लेकिन बनाए नहीं हमारी सरपंच, हमला कुलम दाह संताल करे हैं, पानी बरसते पानी करे हैं और वो भी लास्ट अधूरा टाइप की हो गए। दाह संस्कार अभी भी कोई उगल घर के आदमी आ रही है कि अधूरा जाते हैं बाचे है बोल रहे दाह संस्कार मोहन जोशी के जन करे हवन छतरी और चिल्ली टांग के अभी तक हमारा मुक्ति धाम बने नहीं है। हमारे गांव में जो सरकार है बिल्कुल सुना कर रहे सरपंच भी आज तक हमारे गांव में हिरक के दिखे नहीं न कुछ करे। मुक्ति धाम जमूर तरी में ठीक हो गया और हम लोग बना भी रहे हैं। एक्चुअली में वहां पर क्या था कि जो वो जो जगह जो था ना पहले से विवादित है ना, और उस विवादित के कारण लोगों का आक्रोश यह था कि जिस जगह पे बनाना है उसी